मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में जंगलात में लगी आग बेकाबू। गैर मामूली मौसम के बायस फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना। आग की वजह से अब तक 30,000 लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कैनेडियन वजीर आजम मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर रवाना। जनूबी कोरिया का अपना पहला सरकारी दौरा करेंगे। जापान में G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। कैनेडा में बेघर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। 5 सालों में बेघर अफराद के लिए काम करने वालों की तादाद में भी नुमाया इजाफा। बेघर अफराद के लिए काम करने वालों में खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती। 28 मई को इंतखाबात के दूसरे मरहले में फैसले का इम्कान। अर्दोगान को बरतरी हासिल, 50% वोट ना ले सके। समंदरी तूफान मोचा ने म्यांमार और बांग्लादेश से टकराने के बाद तबाही मचा दी। कैटेगरी 5 शिद्दत के तूफान के बायस शदीद बारिशों और तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। म्यांमार में लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शुमाल मशरकी इलाके में जंगल की बड़ी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि गैर मामूली गर्म मौसम फायर फाइटर्स को मुश्किलात पैदा कर रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के शुमाल मशरकी इलाके में जंगल की बड़ी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि गैर मामूली गर्म मौसम फायर फाइटर्स को मुश्किलात पैदा कर रहा है। कनाडा के सूबे अल्बर्टा के जंगलात में एक हफ्ता कबल लगने वाली आग पर ताहाल काबू पाया ना जा सका, जिसके बायस आग कनाडा के दूसरे सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात तक फैल गई है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया में कम अज कम मंगल तक दिन के वक्त का दर्जा हरारत मौसमी औसत से 10 से 15 सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग की वजह से उठने वाला धुआं कनाडा के दोनों सूबों को अपनी लपेट में लेने के बाद अमेरिका पहुंच गया है। इसी हवाले से अमेरिकी इदारे US नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक तस्वीर जारी की गई है, जिसमें धुएं को अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर देखा जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक कनाडा में आने वाले दिनों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है, साथ ही आग के मजीद फैलने का खदशा भी जाहिर किया गया है। इसके साथ कनाडा में इंतजामिया की जानिब से आग पर काबू पाने वाले फायर फाइटर्स की मदद के लिए 300 फौजी अहलकारों को तैनात किया जा रहा है, ताकि वो जमीनी और हवाई रास्ते से आग बुझाएं। आग की वजह से अब तक 30,000 लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो एशिया के एक हफ्ता तवील दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो जनूबी कोरिया का अपना पहला सरकारी दौरा करेंगे और जापान में G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो एशिया के एक हफ्ता तवील दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहाँ वो जनूबी कोरिया का अपना पहला सरकारी दौरा करेंगे और जापान में G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब दुनिया को मजमूई तौर पर सलामती के खतरात और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से माशी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। जनूबी कोरिया के सदर यौन सिक योल के गुज़िश्ता मौसम खजा के आटोवा के दौरे के बाद वजीर आजम के 16 मई से 18 मई के दरमियान सियोल में होने की तवक्को है। तब से दोनों ममालिक ने अपनी
हिंद बहरुल काहिल की हिकमत अमली जारी की है। ऐसे मंसूबे जिनका मकसद खित्ते में इक्तिसादी और फौजी ताल्लुकात को बढ़ाकर चीनी असर रसूख का मुकाबला करना है। ट्रूडो 19 और 21 मई के दरमियान जापान के शहर हिरोशिमा में G7 के सरबराही इजलास में भी शिरकत करने वाले हैं। इस बात का इम्कान है कि सियोल में ट्रूडो कैपिंग बैटल यादगारी ट्रेल को खोलने के लिए एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद कोरिया की जंग के दौरान कनाडा के तावुन को खराज तहसीन पेश करना था। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि कनाडा की अवलीन तरजीहात में से एक इतिहादी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है, ताकि उन मुतजाद चैलेंजेस से निमटने के लिए कनाडा से तवक्को है कि वो यूक्रेन को जारी मदद फराहम करने के साथ साथ मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए G7 के अराकीन के तावन की तलाश करेगा। जैसे जैसे कनाडा में बेघर अफराद की तादाद बढ़ रही है, बेघर अफराद के सपोर्ट सेक्टर में कारकुनों की तादाद भी बढ़ रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे कनाडा में बेघर अफराद की तादाद बढ़ रही है, बेघर अफराद के सपोर्ट सेक्टर में कारकुनों की तादाद भी बढ़ रही है। शुमारियात कनाडा के मुताबिक इस शोबे में 2016 और 2021 के दरमियान कारकुनों में 60.7% इजाफा हुआ, जब इस शोबे में 10,130 अफराद मुलाजिम थे। स्टेट कैन का कहना है कि उसने दीगर तमाम शोबों की तरक्की को 3.4% तक बढ़ा दिया। बेघर अफराद की हिमायत करने वाले कारकुनों की अक्सरियत बड़े शहरी इलाकों में रहती थी। निस्फ से ज्यादा ऑन्टेरियो और BC में काम करते हैं। तमाम कारकुनों में से तकरीबन निस्फ कनाडा के बड़े शहरों में थे। स्टेट कैन की जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बेघरी की इमदाद का शोबा है घर होने का सामना करने वाले अफराद और ऐसे अफराद को खिदमात तक रसाही फराहम करता है जो हाउसिंग बहरान का सामना करने के खतरे से दो चार अफराद के लिए हदफ बनाए जाते हैं। 2021 की मर्दम शुमारी के आदाद शुमार के मुताबिक इस शोबे में तकरीबन 3/4 कारकुन खवातीन यानी 73.8% थी, जबकि तमाम पेशों में ये तादाद निस्फ से कम 48.2% थी। 2016 और 2021 के दरमियान तकरीबन 80% मजीद मर्द इस शोबे में शामिल हुए, जिससे मजमूई तौर पर 2655 मर्द और 7475 खवातीन हो गईं। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सदर रजब तैयब उर्दगान 50% से ज़ायद वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्किया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि रजब तैयब उर्दगान 50% से ज़ायद वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। तुर्किया के सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के बाद गिनती का अमल शुरू हो गया और इब्तदाई नतज के मुताबिक सदर रजब तैयब उर्दगान को मुखालिफ उम्मीदवारों पर बरतरी हासिल है, लेकिन सदर रजब तैयब 50% वोट नहीं ले सके। 28 मई को इंतखाबात के दूसरे मरहले में फैसले का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 28 मई को इंतखाबात के दूसरे मरहले में फैसले का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ तुर्किया पर 20 बरस से ज़ायद अरसे तक हुक्मरानी करने वाले ताकतवर सदर रजब तैयब उर्दगान को सख्त इंतखाबी मुकाबले का सामना रहा है। अगर कोई भी उम्मीदवार निस्फ से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाता तो उनके दरमियान 28 मई को फिर मुकाबला होगा। अब तक 89.0% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें उर्दगान ने 49.94% वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके हरीफ कमाल कलीशदार ओलू ने 44.3% वोट हासिल कर रखे हैं। दूसरी जाने पार्लियामेंट की 600 नशस्तों में से हुकूमती इत्तेहाद ने 323 सीटें जीतकर कामयाबी हासिल कर ली। दूसरी तरफ कमाल कलीशदार ओग्लू और इस्तांबुल के अपोजिशन मेयर ने इब्तदाई नतज में बर्तरी का दावा किया है। तुर्किया की इलेक्शन अथॉरिटी सुप्रीम इलेक्टोरल बोर्ड ने कहा है कि वो मसाबकती सियासी जमातों को फौरी तौर पर नतज फराहम कर रहा है और वो गिनती मुकम्मल होने और उसे हतमी शक्ल देने के बाद नतज का ऐलान करेगा। तुर्किया की तारीख में पहली बार 24 पार्टियां और 151 आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तुर्किया में 6.5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। खलीज बंगाल में बनने वाले समंदरी तूफान मोचा ने म्यांमार और बांग्लादेश से टकराने के बाद तबाही मचा दी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। खलीज बंगाल में बनने वाले समंदरी तूफान मोचा ने म्यांमार और बांग्लादेश से टकराने के बाद तबाही मचा दी। कैटेगरी 5 शिद्दत के तूफान के बाद शदीद बारिशों और तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली का निज़ाम मुअत्तल, जबकि तूफान ने साहली इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि बांग्लादेश में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। तूफान के रास्ते में आने वाले इलाकों के 20 लाख अफराद के बराह रास्त मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है।
बांग्लादेश की सबसे बड़ी बंदरगाह पर सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि कश्तियों की आमदोरफ्त और माहीगीरी भी रोक दी गई है। हुकाम का कहना है बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के कैंपों में मुकीम अफराद भी मुश्किलात से दो चार हैं। लैंडस्लाइडिंग के बाइस रास्ते बंद हो गए, मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुँचा। याद रहे कि तूफान मोचा के पेश नज़र बांग्लादेश से तकरीबन 7.5 लाख अफराद का इनखिला करा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माहिरीन की जानिब से साइक्लोन को बांग्लादेश में दो दहाइयों में आने वाले अब तक के ताकतवर तरीन तूफान करार दिया गया है। वाज़े रहे कि नवंबर 2007 में साइक्लोन सदर बांग्लादेश के साहिली इलाकों से टकराया था, जिससे 3,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे, जबकि अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Thank you.